अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चिकन शाश लीक बना रही हूँ। इसको मैं स्टिक्स में भी बनाऊँगी और पैन में किस तरह से सर्व कर सकते हैं वो भी दिखाऊँगी। और इसके साथ एक सिंपल से वेजिटेबल राइस बनाऊँगी मैं। इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन ब्रेस्ट ले लिया है। इसमें जो मसाले डालेंगे, नमक है, पिसी हुई काली मिर्च है, पेपरिका है, मस्टर्ड पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट और सोया सॉस। बस इन सारी चीज़ों को अब मैरिनेट कर देंगे। और इसमें जो सब्जियां डालेंगी, शिमला मिर्च है, लाल हरी पीली वाली है, ऑरेंज है, टमाटर के बीच निकाल के काट लिया, प्याज के भी क्यूब्स काट लिए। इन सारी सब्जियों को एक ही शेप में मैंने काट लिया। इसमें जो सॉस इसकी बनेगी, उसके लिए मैंने केचप ले लिए और उसमें हॉट सॉस है, वुस्टरशायर सॉस है, नमक, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च और लहसुन। इसमें साबुत लहसुन डलेगा जब हम इसको ऑयल में डाल के थोड़ा सा पकाएंगे और फिर उसमें ये सॉस डालेंगे। इसको बस काट के ऑयल में डाल के हल्का सा जब ये ब्राउन हो जाएगा तो फिर सॉस सारी मिक्स करके उसमें डालेंगे, तो उससे बहुत अच्छी सॉस इसकी बन जाएगी। और ये शाशलिक स्टिक्स हैं, इसको मैंने पानी में भिगो दिया ताकि या तो इसको जब बेक करें या फ्राई भी करेंगे तो फिर ये जलेंगी नहीं पकने के दौरान। अब इन सारी चीज़ों को मैरिनेट कर देते हैं अच्छी तरह से और इसको कम अज़ कम 2-2.5 घंटे के लिए रख दें, ओवरनाइट रख दें तो ज़्यादा अच्छा है। बस अभी जब मैरिनेट हो जाएगा तो फिर इसको स्टिक्स में लगा लेंगे। सर्दियाँ हों तो बाहर ही रख दें, अगर गर्मियाँ हों तो उसको फ्रिज में रख दें मैरिनेट होने के लिए। बस अब इसको अच्छी तरह से रैप करके प्लास्टिक रैप से ढक के इसको रख देंगे और जब इसको 2 घंटे हो जाएंगे फिर इसको स्टिक्स में लगाएंगे। अब इसको स्टिक्स में लगा लेते हैं। बस सब्जियों को आगे पीछे अल्टरनेट करके एक शिमला मिर्च लगा दी मैंने, अब एक प्याज और अब एक चिकन का पीस लगा दूंगी मैं। और इसी तरह से सारी सब्जियां को अल्टरनेट करके आगे पीछे करके और टमाटर के बीज ज़रूर निकाल दें इसमें से। तो बस अब इसको अब बना लेंगे, सारी स्टिक्स इस तरह से ही बना लेंगे। और मैं इसको ओवन में बनाऊंगी। ओवन को मैंने 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे प्री हीट कर लिया है और उसी टेम्परेचर में मैं इसको पकाऊंगी, बेक करेंगे इसको। और अगर ओवन में ना बनाना हो तो फिर इसको पैन में शैलो फ्राई कर सकते हैं। बस ये इस तरह से सारी सब्जियाँ आगे पीछे करके चिकन के साथ इसको लगा लें। और इसमें जो है मस्टर्ड पेस्ट ज़रूर डालें, अगर पेपरिका नहीं भी हो तो उसकी जगह का किसी भी लाल मिर्च जो घर में होती है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड पेस्ट का इसमें बहुत अच्छा और डिफरेंट फ्लेवर आता है तो वो लाजमी इसमें डलेगा। और डिटेल रेसिपी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी अगर कोई अभी मसाला कहने में मिस हो भी गया होगा अगर। तो बस ये सबको मैं लगा के फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सब स्टिक्स में मैंने इनको लगा दिया और ये थोड़ी सी चिकन रह गई है, इसमें जो सब्जियाँ भी रह गई इनको मिक्स करके और साइड पर ही मैं ट्रे पे रख दूँगी। और अगर ओवन में ना बनाएं तो पहले चिकन को पैन में डाल के फ्राई कर लें, उसको पका लें, उसके बाद फिर सब्जियाँ डाल के हल्का सा बस उसको स्टर फ्राई कर लें। तो मैं तो अभी ओवन में बना रही हूँ इसलिए मैं इसको सबको एक साथ ही रख दूँगी साइड पे, तो ये एक साथ सारी चीज़ें पक जाएंगी। अब मैं इसको ट्रे में वहाँ पे साइड पे रख दूँगी और अब इसको बेक होने के लिए रख देंगे 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर और 180 डिग्री सेल्सियस पे। हम जब तक ये चिकन बनेगा तो हम चावल बना लेते हैं। उसके लिए मैंने हरी प्याज ले ली थी और ये गाजर है मेरे पास और मटर, ये सारी चीज़ें मेरे पास फ्रीज हुई हुई हैं। और ये मैंने चावल भिगो दिए थे, मैं राइस कुकर में बनाऊंगी तो उसके हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिए। हरी प्याज भी मैं काट के उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ तो फिर वो आसानी रहती है बनाने में, और कभी अचानक बनाना हो तो जल्दी बन जाती है। ये नमक और काली मिर्च इसमें डाल के और इसको बस अच्छी तरह से तेज़ आंच पे मैं इसको स्टर फ्राई कर लूँगी।
हरी प्याज को काट के धो के काट के इसको फ्रीज़ कर लें तो ये बिल्कुल ठीक रहती है, ख़राब नहीं होती। किसी भी चीज़ में डालना चाहें तो बहुत आराम से डाल सकते हैं। मैं इसको राइस कुकर में बनाऊंगी। अगर राइस कुकर में ना बनाना चाहें तो इस तरह से सब्ज़ी पूरी पहले बना के, और जिस तरह से बिरयानी के चावल की तह लगाते हैं बॉईल करके और फिर इसकी तह लगा दें, तो वो वैसे ही बन जाएंगे जिस तरह से राइस कुकर में बनेंगे। तो बस ये सारी सब्ज़ियाँ मैंने इसमें चावल के साथ डाल दी हैं, और पानी भी डाल दिया इसमें। और पानी हर राइस कुकर में उसका हिसाब लिखा होता है, कितना चावल और कितना पानी। मैं इसको बस स्टार्ट करके, और मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। जब तक वो चिकन तैयार होगी तो ये हमारे तैयार हो जाएगा। और ये मैं दिखा देती हूँ, अगर पैन में बनाना हो तो इस तरह से बना सकते हैं, अगर बेक ना करें तो इस तरह से पैन में बना सकते हैं। ये देखें, ये चावल तैयार हो गए। अब इसको हल्के हाथ से मैं मिक्स कर दूँगी, और अब जब इसको सर्व करेंगे फिर मैं दिखाऊँगी। इसको हल्के हाथ से बस मिक्स कर दें ताकि ये सब्ज़ियाँ भी मिक्स हो जाएं अच्छी तरह से। अब इसकी सॉस बना लेते हैं। ये ऑयल में मैंने लहसुन डाल दिया, इसको क्रश करके, कद्दूकस करके डाल दें लहसुन, और ये सारी चीज़ें मिक्स करके। बस अब जैसे ही हल्का सा कलर चेंज होगा लहसुन का, तो उसमें मैं ये डाल दूंगी। इसको बहुत तेज़ ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसका गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो उसमें फिर वो सॉस डाल देंगे। सारी केचप है उसमें, वर्स्टरशायर सॉस है, नमक, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च। और सॉस को बस बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, 5 से 8 मिनट तक इसको पकाएंगे तो बस ये तैयार हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ मिक्स ही करना है। देखें इसका कलर ये अब गोल्डन हो गया है, ब्राउन नहीं करें वरना फिर उसमें कड़वाहट सी आ जाएगी। अब इसमें मैं डाल देती हूँ और इसको मिक्स कर लेंगे, और 5 से 8 मिनट तक बस इसको पकाएं तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। बस इसको तेज़ आंच पर ही करके पकाना है, हल्की आंच से बिल्कुल नहीं छोड़ें इसको। बस ये मिक्स करते करते में ये पक जाएगी अच्छी तरह से, ताकि इसका सारी चीज़ें अच्छी तरह से एक साथ ब्लेंड हो जाए सबका फ्लेवर। ये देखिए अब साइड से बबल्स आ रहे हैं इसमें, तो अब ये तैयार है। बस अब ये इसको हम प्लेटर में सर्व करेंगे, फिर मैं दिखाती हूँ। देखें चिकन भी बेक हो चुकी है। मैं इसमें से चावल भी निकाल लेती हूँ, चावल भी तैयार है। और मैं इसको सिज़लर प्लेट में सर्व करूँगी। सिज़लर प्लेट को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था 1/2 घंटे पहले ही चूल्हे पे, ताकि वो अच्छी तरह से तेज़ गर्म हो जाए। इसके ऊपर अभी ये चावल डाल देते हैं। और इसमें बहुत एहतियात से डालें, प्लेट बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होती है तो इसमें हाथ भी ना जले और कोई चीज़ बाहर भी ना आए। कुछ साइड पे रख दें, कुछ चावल के ऊपर रख दें। अब इसके ऊपर सॉस डालते हैं। देख तो इसमें देखिएगा, अब इसमें आवाज़ आएगी। देखिए सूखे इसमें उसमें आवाज़ भी आ गई। और अब मैं एक अलग से उसको जो उसमें सर्व कर सकते हैं बाउल में, वो मैं दिखाती हूँ।
बाकी जो स्टिक्स रह गए हैं उसको साइड पे चावल के साथ भी अलग से रख सकते हैं। चावल और एक प्लेट में ये स्टिक्स रख दें तो जितनी, और सॉस भी एक साथ अलग से रख सकते हैं ताकि जिसको जितनी लेनी हो वो ले लें। अब ये जो पैन में से जिस तरह से सर्व करते हैं, तो ये इसको, जो मेरे पास थोड़ी सी सॉस बच गई थी उसमें मैंने सब्ज़ियाँ जो अलग से, सब्ज़ियाँ और चिकन जो अलग से हमने बेक की थी, तो वो इस तरह से मिक्स कर लें थोड़ी सी तेज़ आँच करके, और इसको फिर एक बोल में डाल लेंगे। अगर स्टिक्स में बनाना ना चाहें तो इस तरह से भी सारी चिकन ऐसे भी बना सकते हैं। स्टिक्स में थोड़ी सी उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है, लेकिन अगर कभी ज़्यादा मकदार में बनाना हो तो वो इस तरह से भी बना सकते हैं। पहले चिकन को बना लें और उसके बाद फिर सब्जियों को हल्का सा स्टर फ्राई करके मिक्स कर लें, और फिर सॉस में उसको, मैं उसमें सॉस डाल के उसको मिक्स कर लें, सब्ज़ियों को उसमें ज़्यादा ना पकाएं। तो ये तैयार हो चुका है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आया था, बहुत लाइट था, हैवी बिल्कुल नहीं था। अगर बग़ैर सॉस के भी इस चिकन को खाएं तो बहुत मज़े की लग रही थी। तो इसको बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह पसंद आएगा। और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, वो ज़रूर देख लिया करें। बाज़ औक़ात में कहने में एक तो कोई चीज़ अगर भूल भी जाती हूँ तो इंग्रेडिएंट्स में वो ज़रूर मैं लिख देती हूँ, तो उसको ज़रूर गौर से देख लिया करें। उसको बनाइएगा और इसका फ़ीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरा चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और अगर इसको सिज़लर में सर्व नहीं भी करना चाहें तो ट्रे में भी इसको एक साइड पे चावल रख लें, उसके ऊपर चिकन रख दें, तो वैसे भी सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी और लाइट रेसिपी थी, तो इसे बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह पसंद आएगी। ये एक मैं सिंगल सर्विंग भी दिखा देती हूँ इस तरह से, प्लेट में भी इसको इस तरह से सॉस अलग से रख दें और एक स्टिक रख दें और चावल रख दें, तो ये एक सिंगल सर्विंग भी इस तरह भी बन सकती है।